है, साल में एक बार जरूर होता है, वो स्पेशल दिन आ जाए, शायद वुमेन्स डे के स्पेशल पे मेरी आवाज़ चल जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपना 100% देने की। दिस इज़ राष्ट्रीय शक्ति पुरस्कार एंड आई एम माई सेल्फ इरम फरीदी एंड मुझे अनुषा जी ने, अनुषा श्रीनिवासन अय्यर जो नारद पीआर है जिनका, वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी एंड द बेस्ट वन एवर आई नो, उनकी है, उनकी मतलब पुश करने की वजह से या उनके सपोर्ट की वजह से बहुत कुछ मैंने, काफ़ी चीज़ों में मैंने अपने आप को सिद्ध किया है कि मैं सही जा रही हूँ, सही रास्ते जा रही हूँ, सही कर रही हूँ। तो ये बीइंग अ वुमेन मुझे अवार्ड मिला है एंड थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजर फॉर दिस लवली अवार्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें ना एक मैसेज भी आप सबके लिए, जो जो सोचते हैं कि सक्सेस ऐसे ही मिल जाती है, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती, चाहे आपकी कंपनी कितनी भी करोड़ की हो, चाहे आप कहीं भी हो, कितने भी आप ऊँचे हो, लेकिन आपकी छोटी छोटी सफलता ना वो आपको ऊँचा बनाती है और आपको एक सही मनुष्य बनाने में साक्षात वो आपको बोलती कि येस यू आर द राइट पर्सन, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो इतना मेहनत मैंने किया उसके वजह से आज मैं इतने अच्छे अच्छे अवार्ड्स से नवाजी जा रही हूँ। 2024 का आई डोंट नो विच वन अवार्ड इट इज़, किस नंबर का है, लेकिन आई एम ब्लेस एंड थैंक्स अनुषा वंस अगेन फॉर दिस लवली अवार्ड। मैम लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू फीलिंग इन दिस अवार्ड? ऑफ कोर्स अवार्ड तो सबको अच्छा ही लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, हर एक अवार्ड मेरे लिए स्पेशल हो, चाहे मेरा अवार्ड एक छोटे से वेन्यू पे लिया गया किसी भी के द्वारा हो, चाहे एक बड़ी हस्ती के द्वारा हो, अवार्ड अवार्ड होता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है जो मैंने की है। अभी हमारा शादीबाज फिल्म आ रही है विच इज़ फीचर फिल्म एंड अभी अभी हमने मीत ब्रदर्स के साथ लॉक किया है एंड वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर गोइंग टू रॉक अगेन। शादीबाज फिल्म में हमारे साथ है, हमारे साथ जिन्होंने हमारा हाथ थामा है रिलायंस एंटरटेनमेंट का, वो है राजीव सेठ। राजीव सेठ एक अपने में ही एक अलग ही इंसान है जिनका, जिनको कोई रोक नहीं सकता, ही इज डूइंग सो वेल और बहुत अच्छा वो करेंगे क्योंकि शादीबाज से वो अभी अभी जुड़े हैं और हम धीरे धीरे एक बड़ी फिल्म बनाते जा रहे हैं, बस हमें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। थैंक यू।